मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर बुधवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित अन्य सीईसी सदस्य उपस्थित थे। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी बैठक में शामिल थे। पार्टी की चुनाव समिति ने दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर विचार विमर्श किया और आगे की रणनीति तैयार की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में बीजेपी ने विधानसभा सीटों को चार श्रेणियों में बांटा है। इनमें जीती हुई सीटों और हार मिलने वाली सीटों पर मंथन हुआ। इसके अलावा बैठक में संभावित प्रत्याशियों पर भी चर्चा हुई। साथ ही अलग अलग तरीकों से वोटर्स तक कैसे पहुंचा जाए इस पर भी चर्चा की गई। बैठक में राज्य के नागरिकों को ये बताने के नए तरीकों पर चर्चा हुई कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए पिछले सालों में क्या किया है। चार श्रेणी में बांटी गई सीटें, ए श्रेणी जहां जीत मिली, बी श्रेणी एक या दो बार हार मिली, सी श्रेणी लगातार दो हार मिली, डी श्रेणी कभी जीत नहीं मिली। न्यूज एजेंसी के मुताबिक समिति सदस्यों ने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान राज्य नेतृत्व ने उन्हें फीडबैक दिया। पार्टी उन सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां उसे मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका मानना है कि वो मजबूत उम्मीदवारों के चयन सहित एक चतुर रणनीति के साथ चीजों को बदल सकती हैं। गौरतलब है कि सीईसी की बैठक आमतौर पर चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद होती है, लेकिन बीजेपी ने इस बार दोनों राज्यों के लिए पहले ही इस बैठक का आयोजन किया। माना जा रहा है कि इसी साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और फिर अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन समय से पहले किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यों में चुनाव अभियान की निगरानी में केंद्रीय नेतृत्व की अधिक भागीदारी का संकेत भी बैठक से मिलता है। कारण, इसी साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा अब अन्य राज्यों के चुनावी मुद्दों को लेकर भी बीजेपी की समिति अन्य बैठकें कर सकती है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।